अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मलिक शाहिद इकबाल है और डीसन कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम लोग ओवरसीज सेंट्रल का जो सेक्टर जी है उसके अंदर मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक तो शॉर्ट क्लिप्स बनाऊँ। स्ट्रीट्स के अंदर जाया जाए, जब हम उनमें जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स का थोड़ा सा टाइम लिया जाए, इसलिए मैंने सेक्टर जी को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है। अभी पहले मैं आपको मैप पे बताता हूँ और फिर फिज़िकली भी दिखाता हूँ। ये व्यूअर्स हमारा फ्रीडम स्क्वायर ब्रिज है, यहाँ से ये हमारा 18 लेन बुलेवार्ड और दिस इज़ आर एग्जिस्टिंग मंदोवाल रोड। इससे क्रॉस पहले मैंने ये जो हमारी थी ना स्ट्रीट 19, 20, 21 ये स्ट्रीट्स आपको दिखाई, इनकी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, यहाँ पर काम हो रहा था। फिर सेकेंड एपिसोड में हम लोग फ्रीडम स्क्वायर ब्रिज से एक्सेस रोड नंबर 1 पे आए और यहाँ से मैंने आपको ये जो हमारी स्ट्रीट नंबर 17, 16, 15, 14 ये 11 तक ये वाली स्ट्रीट्स दिखाई। लेन नंबर 3 में गया, ये वाली रोड स्ट्रीट्स की इनकी कारपेटिंग हो चुकी है, यहाँ पे अभी काम हो रहा है। अभी इस वक्त मैं एग्जैक्टली इस जगह पे मौजूद हूँ और ये जो हमारे पीछे वाली स्ट्रीट्स बेसिकली रह गई हैं फ्राम स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट नंबर 10 तक, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका मौके पर क्या काम हो रहा है। ये मैं अभी मंदोवाल रोड अपना जो है उसके साथ साथ जा रहा हूँ और पीछे आपको दिखाता हूँ कि ये जो स्ट्रीट्स हैं इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है। ये व्यूज हमारा एग्जिस्टिंग जो मंदोवाल रोड है और उसके पीछे वो जो हमें मशीनरी नज़र आ रही है और ये सारा काम होता नज़र आ रहा है। ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रीट नंबर 1 से 10 तक की जो स्ट्रीट्स हैं, इसमें अगर मैं आपको बता सकूं कि जो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं आलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 और बाकियों को भी हम अंदर जा के एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह। ये भी सेक्टर जी की स्ट्रीट्स हैं एंड आई गेस सो ये है फ्रॉम स्ट्रीट नंबर 6 to स्ट्रीट नंबर 11 तक ये स्ट्रीट्स हैं। इनकी जस्ट अभी कटिंग हुई है, यहाँ पे पीछे हमने देखा है कि सीवरेज के पाइप्स वगैरह आ चुके हैं बट अभी यहाँ पे सीवरेज लाइन डली नहीं है और ये जगह अभी हम जा रहे हैं पीछे हमारी इंशाल्लाह देखते हैं आई गेस के एक्सेस रोड नंबर 1 को हम लोग इसमें टच कर सकते हैं। आई होप सो आपको जो हमने सेक्टर जी को 3 पार्ट्स में ब्रेकअप करके विज़िट कराया है
और कोशिश की है कि हर स्ट्रीट के अंदर जाएं और फिजिकली जा के देखें कि डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। आई होप सो कि बाकी वीडियोस की तरह इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छी लगी होगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम कवर कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, किसी स्ट्रीट में आप अगर मुझसे कहेंगे कि आप उस सेक्टर में जाएं विज़िट करें, इंशाल्लाह डीसन कॉर्पोरेशन इज़ देयर टू हेल्प यू। और जहां आप कहेंगे उधर इंशाल्लाह उन स्ट्रीट्स में जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हबीब रफ़ीक ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसके साथ शौक से, एक इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करें, मैंने उसको चुना और मैं उसका डायमंड सेल्स पार्टनर हूँ। हमने अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम को मैंने बुकिंग्स करवाई और मेरे जो स्मार्ट सेल्स पार्टनर थे सब ने यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कराई, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। और उसी जोश और जज्बे के साथ हबीब रफ़ीक ये सारा एरिया आपके लिए डिवेल्प कर रही है। इन फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा जाए, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, बट इस वक्त भी हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट आप लोगों के लिए ईज़ लेके आती है, आपको इंस्टॉलमेंट पर डिस्काउंट भी ऑफ़र करती है और जो अपने डेवलपमेंट का काम है उसको भी बहुत ज़ोर शोर से जारी रखे हुए है। बहुत से एरियाज़ डिवेल्प हो चुके हैं, कुछ जगह डिवेल्प हो रही हैं, कुछ अभी नहीं हुई, बट आई होप सो कि इंशाल्लाह वेरी सून वो भी डिवेल्प हो जाएंगे। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।